ये है दिल्ली दर्पण। देश भर में यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले बच्चे अपने परिवार और समाज का नाम तो रोशन करते ही हैं, साथ ही समस्त समाज भी उन पर गर्व कर रहा है। देश में जाट समाज के बड़ी और सम्मानित संस्था अखिल भारतीय जाट महासभा ने भी ऐसे बच्चों का सार्वजनिक रूप से अभिनंदन किया और साथ ही ये उम्मीद भी की कि ये एक आदर्श अधिकारी बनकर देश हित में सेवा देंगे। इस मौके पर पहुंचे मुख्य अतिथि महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री युद्धवीर सिंह ने कहा कि अब ये बच्चे मात्र किसी समाज के ही नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। यही वजह है कि इस अभिनंदन समारोह में केवल जाट समाज के नहीं बल्कि सभी समाज के ऐसे सफल अभ्यर्थियों का सम्मान किया गया। देखिए, आज जो बच्चे जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, दिल्ली अखिल भारतीय जाट महासभा की दिल्ली की इकाई ने आज इसका उन बच्चों का स्वागत करने के लिए इसका आयोजन किया था। और आपको एक बात बता दूं मैं कि केवल जाटों के बच्चे नहीं थे। जाट महासभा दिल्ली प्रदेश द्वारा आयोजन जरूर था, लेकिन तमाम बच्चे जो एनसीआर के हैं, जो सफल हुए हैं इसमें, हमने तमाम का अभिनंदन किया, क्योंकि हम जातिवाद में विश्वास नहीं करते। हम समाज को एक इकाई मान के चलते हैं और एक संदेश हम समाज में देना चाहते हैं कि हमको इन संकीर्ण नारों में नहीं जाना चाहिए, समाज को विभाजित नहीं करना चाहिए। समाज अगर एकजुट रहेगा तो देश मजबूत रहेगा, समाज अगर बिखरेगा तो देश कमज़ोर होगा। उस संदेश को लेके ऑल इंडिया जाट महासभा आगे बढ़ना चाहती है। इस सम्मान समारोह का आयोजन जाट महासभा की दिल्ली इकाई द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें प्रदेश महामंत्री सुनील सोलंकी, उपाध्यक्ष जसबीर कराला, अशोक सोलंकी, धर्मेंद्र अलावत सहित समस्त टीम ने इस शानदार समारोह को बेहतर संदेश देने वाले इस आयोजन की सफलता में अपना योगदान दिया। मैं अशोक सोलंकी, अखिल भारतीय जाट महासभा दिल्ली प्रदेश का प्रवक्ता और वाइस प्रेसिडेंट। आज हमने ये कार्यक्रम किया दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में, जहाँ पर जो अभी हमारे नौजवान बच्चे यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके इस देश में अधिकारी बनकर इस देश की सेवा करेंगे, उनके अभिनंदन के लिए ये कार्यक्रम रखा। और इसमें हमने सभी समाज के बच्चों को बुलाया। बैनर भले ही अखिल भारतीय जाट महासभा का था, लेकिन इसमें हमने सभी सर्व जाति और सभी धर्म के बच्चों को इनवाइट करके उनका मान सम्मान बढ़ाया और एक समाज में ये संदेश देने का प्रयास किया कि अधिकारी किसी जाति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, वो इस देश की धरोहर है। वो इस देश की सेवा करने के लिए इन बच्चों ने इतनी मेहनत की है और आने वाले समय में इस देश के नीति निर्धारक ये बच्चे बनेंगे और इस देश को एक दिशा देंगे। यूपीएससी में सफल होने वाले बच्चे भी इस सम्मान को पाकर बेहद खुश नजर आए। इन विद्यार्थियों ने इस अभिनंदन और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही जो बच्चे इस परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं उन्हें कुछ संदेश और टिप्स भी दिए। बहुत बच्चे आज यहाँ पे ऐसे भी थे जो आज यूपीएससी में अधिकारी बनेंगे, देश के लिए, देश की सेवा करेंगे, देश के लिए एक फर्ज है, उनका कर्तव्य है करने का। लेकिन वो एक ऐसे परिवेश से, ग्रामीण परिवेश से आए हैं, किसान परिवार से, मतलब हमने जितना जाना या देखा समझा तो कुछ परिवार इतने निम्न परिवार थे कि सोचना भी मुश्किल है कि आप इतना जो एक लक्ष्य है अपना, एक दृढ़ संकल्प के साथ आप उसको तय करते हैं, तो एक मेरी ख्याल से बहुत कठिनाई भरा सफ़र रहा है। तो इनकी ये जर्नी अब यहाँ, और बच्चों ने जानी, कुछ बच्चों ने सवाल भी पूछे इनसे कि हम आगे किस प्रकार अपनी आगे की तैयारियाँ करें, तो एक बड़ा बहुत ही मोटिवेशन प्रोग्राम रहा है। काफ़ी उत्साहित और काफ़ी खुश हूँ कि इस भव्य समाज समारोह में बुलाया गया मुझे, और इन्हें इतने लोगों के साथ मिल रहा हूँ, अपने फ्यूचर बैचमेट्स के साथ मिलने को मिल रहा है। एंड एक बहुत सीखने का माहौल है, काफ़ी लोगों के जर्नी से सीखने हैं, काफ़ी यहाँ पे बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपने शब्द हमें यहाँ बताए थे, उनसे भी सीखना है। एक अलग दिशा मिलेगी जब हम जाएंगे सिविल सर्विसेज में काम करना शुरू करेंगे, तो आज ही से
सकता है, उसकी तैयारी वैसे चलती रहती है, बट ऐसे समारोह में आके ऐसे वरिष्ठ लोगों के साथ बातें करके उनके भाव विचार सुन के बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो हम जीवन में बाद में अप्लाई कर सकते हैं। आज का प्रोत्साहन समारोह बहुत अच्छा रहा, हमें यहाँ बुलाकर सम्मानित किया गया, जिसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत ही अनुभवी लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करी, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और हम आशा करते हैं कि हम सभी की अपेक्षाओं पे खड़े उतर पाएंगे। मेरा यही कहना है कि इस सबसे सभी को मोटिवेशन मिलता है, एंड ये सिर्फ जाटों का नहीं था, इसमें सारी कम्युनिटी के जो अचीवर्स थे उनको बुलाया गया था, एंड सबको फेलिसिटेट किया, इतना सारा प्यार मिला। सो आई विल से कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, वो बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं एंड उनको मोटिवेशन देते हैं वो फर्दर सक्सेस लें अपनी ज़िंदगी में। इस समारोह में देश में तेजी से बढ़ रहे जातिवाद और धार्मिक उन्माद पर भी चिंता व्यक्त की गई। साथ ही ये संदेश और संकल्प भी लिया गया कि हम सब मिलकर नकारात्मक विचारधारा से बचकर सकारात्मक कार्यों को बढ़ावा दें। देश के चहुंमुखी विकास में सबका साथ और सबका विकास बेहद जरूरी है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए द्वारका से मारीदास की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर